हेलो फ्रेंड्स, C++ सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। आज हम आगे देखेंगे टेम्पलेट्स में किस प्रकार से हम क्लास टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने पिछले दो लेक्चर्स में क्लास टेम्पलेट्स में देखा है कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं, टेम्पलेट्स कितने टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट टाइप ऑफ टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट अभी तक सीखा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और उनके प्रैक्टिस प्रोग्राम जो मैंने आपको करवाए हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर भी ली होगी। तो दोस्तों, यदि आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि क्लास टेम्पलेट्स भी आगे उसी से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टेम्पलेट, दैट इज़ कॉल्ड क्लास टेम्पलेट्स। सो क्लास टेम्पलेट इज़ लाइक फंक्शन टेम्पलेट्स। वी कैन ऑल्सो क्रिएट क्लास टेम्पलेट्स फॉर जेनरिक क्लास ऑपरेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको फंक्शन टेम्पलेट्स में बताया था कि फंक्शन टेम्पलेट्स जो यूज होते हैं, दैट इज़ यूज टू क्रिएट जेनरिक फंक्शंस। जेनरिक फंक्शंस का मतलब क्या था कि यदि हमें एक ही फंक्शन में अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज पास करनी है और हमें उनका रिजल्ट चाहिए, तो हम उसके लिए फंक्शन टेम्पलेट्स बना सकते थे। जैसे हमने आपको उसमें प्रैक्टिस प्रोग्राम में भी किया था कि हम एक ही फंक्शन में दो डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू पास कर रहे हैं और उनके अंदर से हम बिग फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर हम उनके ऊपर सम करवा सकते हैं। इस टाइप उसी टाइप से यदि मुझे किसी भी क्लास को जेनरिक बनाना है, अभी तक क्या होता है कि हम क्लास के अंदर कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड प्रीमिटिव डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन डाटा टाइप्स के अंदर, जैसे सपोज मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट और हमने उस स्टूडेंट के अंदर डाटा टाइप डिक्लेयर कर लिए इंट, राइट। तो उस क्लास को यूज़ करने के लिए मैं सिर्फ उसके अंदर इंटीजर टाइप के ही डाटा टाइप पास कर सकता हूँ। यदि मैं उसमें उस वेरिएबल के लिए जो मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है वहाँ पर किसी और टाइप की वैल्यू पास करता हूँ तो होगा क्या, वो क्लास वहाँ पर हमें एरर दे देगी। तो दोस्तों, यदि हमें अपनी क्लास को भी जेनरिक बनाना है कि मैं अपनी क्लास में किसी भी टाइप्स की वैल्यू पास करूँ और वो उन टाइप्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस क्लास को बनाना होगा क्लास टेम्पलेट्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की, समटाइम्स वी नीड ए क्लास इम्प्लीमेंटेशन दैट इज सेम फॉर ऑल क्लासेस, ओनली द डाटा टाइप्स यूज्ड आर डिफरेंट। सो क्लास टेम्पलेट्स मेक इट ईजी टू री यूज द सेम कोड फॉर ऑल द डाटा टाइप्स। ये भी बात बिल्कुल सही है कि यदि हमने एक क्लास को क्लास टेम्पलेट बना लिया है तो उसमें हमारी क्या हो रहा है, एक तरह से कोड को हम रीयूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक ही कोड जो मैंने किसी भी पर्टिकुलर डाटा टाइप के लिए ना बनाकर एक जेनरिक क्लास बनाया है तो वो अकेला ही कोड सभी डाटा टाइप्स के साथ वर्क करेगा। सो उसमें भी हमारी एक तरह से रीयूजबिलिटी हो गई। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लास टेम्पलेट्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर ए क्लास टेम्पलेट। अब जैसे हमने देखा था कि फंक्शन टेम्पलेट में हमें फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करना होता था, तो वही मिलता हुआ सिंटैक्स ही हम यूज़ करते हैं क्लास टेम्पलेट को डिक्लेयर करने के लिए। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले क्या है, जब भी आपने जहाँ भी क्लास को डिक्लेयर करना है उससे पहले आपके पास कीवर्ड आएगा टेम्पलेट, देन विद इन द एंगुलर ब्रेसिस हमें क्या करना है, कीवर्ड लिखना है क्लास, आफ्टर दैट नेम ऑफ द कंटेनर, जिस भी टाइप का कंटेनर आप बनाना चाहते हो। यानी जैसे हम डाटा टाइप इंट फ्लोट लेते थे, अब हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी हम वैलिड आइडेंटिफायर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास के अंदर कंटेनर बनाया है टी, तो अब हमारी क्लास में, क्लास की बॉडी में हम कहीं भी किसी प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, किसी भी। इंस्टीड ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप वी यूज़ नेम ऑफ कंटेनर, लाइक इन दिस क्लास वी हैव कंटेनर नेम टी, राइट। ये देखिए, अब क्लास की बॉडी हमने क्या किया, हमने क्लास को नेम देंगे, देन उसके अंदर जो भी हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कुछ भी करने हैं प्राइवेट डाटा पार्ट में, जैसे पब्लिक में हमने एग्जांपल यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेयर। ठीक है, अब उस वेयर का डाटा टाइप यहाँ पर कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप इंटीजर या फ्लोट ना होकर हमने क्या दिया, टी। इट मीन्स दिस वेरिएबल नेम्ड वेयर विल वर्क लाइक एज ए कंटेनर टी। सो इट मीन्स इसमें मैं जिस टाइप की वैल्यू पास करूँगा, हमारा कंटेनर क्लास टी का जो ये वेरिएबल जो मैंने कंटेनर बनाया ये उसे उसी मोड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सेम उसी टाइप से अगर मैं हमारी क्लास में कोई भी फंक्शन यूज़ करता हूँ, तो उस फंक्शन में यदि कोई रिटर्न टाइप है
और मुझे किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करवानी है तो मैं उसका रिटर्न टाइप भी टी दे सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली टी में जिस टाइप की फर्स्ट वैल्यू आई होगी उसी टाइप की वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा। हम आर्ग्यूमेंट में भी उसी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, टी को एज ए डाटा टाइप ले सकते हैं, एज ए कंटेनर ले सकते हैं और नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय द कोमा। सो दोस्तों ये हमारे पास सिंटैक्स है हाउ टू डिक्लेयर क्लास टेम्पलेट। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं किस टाइप से हम हमारे टेम्पलेट्स तो हमने बना लिए क्लास में, अब उसके हमने जब उसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमने क्लास टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं ठीक है, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट अब वैसे नहीं बनाना जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे। पहले हम कैसे बनाते थे ऑब्जेक्ट, हम सिर्फ क्लास का नेम देते थे, देन स्पेस, उसके बाद नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। बट यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ से देखते हैं, टू क्रिएट ए क्लास टेम्पलेट ऑब्जेक्ट वी नीड टू डिफाइन द डाटा टाइप इनसाइड एंगुलर ब्रेसिस व्हेन क्रिएशन। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम हमारी क्लास का, कौन सी क्लास का, टेम्पलेट क्लास का, क्लास टेम्पलेट का जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास के नेम के साथ एंगुलर ब्रेसिस में हम अब यहाँ पर वो प्रीमिटिव डाटा टाइप बताएंगे जिस प्रीमिटिव डाटा टाइप के साथ हमारा क्लास ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। यानी कि देखिए हमने क्लास तो जो बनाई थी पिछले में देखते हैं वो हमने टी टाइप की बनाई थी, टी टाइप की मतलब हमारा कंटेनर टी था। यानी कि ये मेरी क्लास टेम्पलेट जो है ये मेरे सभी टाइप की डाटा टाइप के साथ काम करेगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये क्लास इंटीजर टाइप के वेरिएबल के साथ काम करे, तो हमने जब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्लास का नेम क्या था हमारा, जो भी हम यहाँ पे क्लास का नेम देंगे, सपोज क्लास का नेम था हमारे पास एबीसी था, तो हम क्लास का नेम क्या देंगे, एबीसी। डाटा टाइप, अब मुझे उस क्लास को किस डाटा टाइप के साथ काम कराना, इंटी, तो हम एंगुलर ब्रेसिस में देंगे इंट और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैंने इसका ऑब्जेक्ट जो भी बनाया है ये ऑब्जेक्ट उस क्लास में इंटीजर टाइप के डाटा वैल्यू के साथ काम करे। देखिए जैसे हमने एक ही क्लास के तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं जो तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप की डाटा टाइप वैल्यू से साथ साथ काम करेगा। जैसे हमने दिया क्लास नेम विद इन रेगुलर एंगुलर ब्रेसिस, हमने दिया इंट और क्लास ऑब्जेक्ट, तो ये क्लास ऑब्जेक्ट अब इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ काम करेगा उस पर्टिकुलर क्लास में। सेकेंड हमने दिया फ्लोट, तो यहाँ पर हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये ऑब्जेक्ट उस क्लास में फ्लोट टाइप की वैल्यूज के साथ काम करेगा। सेम क्लास ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्लास जो थर्ड बना है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ काम। तो इन शॉर्ट ये मतलब है कि यदि आपने जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जब भी आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट नेम के बीच में एंगुलर ब्रेसिस में वो डाटा टाइप देना है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप के की टाइप की वैल्यू आप उस टेम्पलेट क्लास को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी समझ में आया होगा कि क्लास टेम्पलेट होता क्या है। क्लास टेम्पलेट भी एक टेम्पलेट है जो हमारी जेनरिक क्लास बनाता है, उस जेनरिक क्लास के साथ हम किसी भी टाइप के प्रिमिटिव डाटा टाइप वैल्यूज़ को पास करवा कर हम हमारी क्लास को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम सिंगल एक क्लास के साथ मल्टीपल डाटा टाइप्स की फंक्शनिंग करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए अब हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं क्लास टेम्पलेट का, कैलकुलेटर यूजिंग क्लास टेम्पलेट। तो दोस्तों आइए अब हम क्लास टेम्पलेट का एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप कर लिया है, ठीक है, तो इसे समझते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले क्लास टेम्पलेट में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें क्लास टेम्पलेट बनाना है तो उसके लिए हमें किस टाइप से क्लास टेम्पलेट की डिक्लेरेशन करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स ऐड की, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देन अब हमने क्या कहा, एक क्लास टेम्पलेट डिक्लेयर किया है। टेम्पलेट इज़ ए कीवर्ड, एंगुलर ब्रेसिस में हमने लिखा है क्लास एंड टी, टी इज़ ए टाइप ऑफ कंटेनर, ठीक है, टाइप एक कंटेनर टाइप का टी वेरिएबल है, सॉरी इट इज़ नॉट ए वेरिएबल, ये हमने एक कंटेनर बनाया है, ठीक है। इस कंटेनर में हम किसी भी डाटा टाइप की वैल्यूज हमारे क्लास टेम्पलेट में रख सकते हैं, ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे हमने फंक्शन टेम्पलेट में भी देखा था बच्चे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्लास बनाई है, नेम ऑफ क्लास इज कैलकुलेटर, ठीक है। इस क्लास में हमने दो प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं, नम वन एंड नम टू। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये देखनी है कि हमने नम वन एंड नम टू का कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं दिया है, ना ही इंट दिया है, ना ही फ्लोट दिया है, या कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप ना दिया, इसकी जगह हमने लिखा है टी। तो अब टी क्या है, टी है हमारे पास
एक कंटेनर जो हमने टेम्पलेट में पहले से डिक्लेयर किया है, यानी कि इस num1 में जब भी कोई वैल्यू स्टोर होगी तो वो वैल्यू किस टाइप की होगी वो हमारा कंटेनर उसे ऑटोमेटिकली पहचान लेगा और उसे उसी टाइप में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है पब्लिक पार्ट में, ये फंक्शन नहीं है, ये हमने क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर। देखिए जब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये आपको याद होगा कि जब भी जो हमारी क्लास का नेम है अगर हम उसी नाम से हमारी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन ना होकर क्या होता है, कैलकुलेट, वो क्या होता है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हमने इस कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास किए हैं, n1 एंड n2। इन पैरामीटर का टाइप भी क्या है, टी, यानी कि जो हमने यहाँ पर कंटेनर एक डिक्लेयर किया था, क्रिएट किया था। ठीक, अब कंस्ट्रक्टर का रोल कब होगा, जब भी हम क्लास कैलकुलेटर का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम पर ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और उस टाइम पर हम जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू पास करेंगे कंस्ट्रक्टर, वो वैल्यूज किसके अंदर आ जाएंगी, इन पैरामीटर्स में n1 एंड n2। ठीक है, और उसके बाद जो भी वैल्यू n1 में आएगी उसको हमने प्राइवेट मेंबर वेरिएबल जो हमने नम डिक्लेयर किया था num1 उसमें चले जाएगी, जो उस वैल्यू सेकंड n2 में आएगी वो वैल्यू किस में साइन हो जाएगी, वेरिएबल num2 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है, इनलाइन फंक्शन इस क्लास का नेम ऑफ दिस फंक्शन इज डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये हम कैलकुलेटर के लिए बना रहे हैं सिंपल, तो डिस्प्ले रिजल्ट में क्या होगा, देखिए जब हमारी वैल्यू दोनों किस में जा चुकी है, num1 और num2 में, यानी कि अब हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वो हमें num1 और num2 के ऊपर करवाने, तो सबसे पहले हम क्या क्या कर डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन में, सबसे पहले हम वो दो नंबर्स प्रिंट करवाएंगे जो भी हमारे पास आएंगे, और इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी लॉन्ग, इट मे बी डबल, इट मे बी एनी टाइप ऑफ दैट टू वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को प्रिंट, नंबर्स आर num1 एंड नंबर्स आर num2, ये दोनों नंबर जो भी हमारे पास आएंगे वो इसके थ्रू प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया है, इसके अंदर एडिशन इज एड, ठीक है, और सेम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों फंक्शन हमने नीचे यहाँ बनाए हैं। ठीक है, तो मतलब ऐड फंक्शन अब क्या करवाएगा, देखिए ऐड फंक्शन को हमने जब भी यहाँ डिफाइन डिक्लेयर एंड डिफाइन किया है तो कैसे किया है, ये हम सब कुछ अभी हम क्लास के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है, हम बाहर नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, ठीक है, ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, टी। अब देखिए जब किसी फंक्शन के पास वो दो वैल्यू का सम करवाएगा तो ये कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा, ठीक है, तो जब सम के अंदर जिस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं, या कि दोनों इंटीजर आ रही हैं तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर, दोनों फ्लोट आ रही हैं तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट। तो फर्स्ट टाइम पे जब वैल्यू यहाँ से इसके पास आएंगी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वैल्यू num1 में जाएगी, तो टी उसी टाइप का वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा जब तक कि उसका कंप्लीट स्कोप यहाँ क्लास में रहता है। तो जैसे सपोज कि फर्स्ट टाइम num1 में वैल्यू आई 10 और num2 में वैल्यू है 20, तो टी के पास फर्स्ट वैल्यू किस टाइप की गई है, इंटीजर है, तो टी इन इस पूरी क्लास में एज ए इंटीजर बिहेव करेगा। ठीक, तो लाइक इसमें जब जो भी दो वैल्यू आएंगे उनका ये सम करवाएगा और उसको रिटर्न करवा देगा टी टाइप की वैल्यू, यानी कि इंटीजर प्लस इंटीजर और इंटीजर टाइप की वैल्यू, और वो वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ जाएगी, जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने जब फंक्शन कॉल किया एट, तो ऐड ने किसको कॉल की, कहाँ से इसको कॉल किया, यहाँ पे कॉल हुआ, num1 की वैल्यू ऑलरेडी पहले ऊपर असाइन हो चुकी है num1 एंड num2, तो इसने दोनों का सम किया, सम करने के बाद यहाँ से उस वैल्यू को रिटर्न करवा के यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। सेम इसी टाइप से हमने सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन की रिटर्न टाइप भी टी है, रिटर्न num1 माइनस num2, मल्टीप्लाई में भी हमारे पास रिटर्न टाइप इज टी, रिटर्न num1 इंटू num2, सेम डिवाइड में num1 डिवाइड बाई num2, तो ये चारों फंक्शन इतने सेम ही है, सिर्फ हमने यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को चेंज किया है, राइट। तो दोस्तों हमने देखिए चारों फंक्शंस को अब यहाँ पे कॉल किया, अब हमने यहाँ पर हमारी क्लास को क्लोज किया, टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, यानी कि अब ये जो लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 45 तक जो काम हुआ है सारा, इट इज क्लास टेम्पलेट। अब हमारे पास एक क्लास टेम्पलेट बनकर रेडी है, नेम ऑफ दिस क्लास टेम्पलेट इज जो नेम है क्लास का, कैलकुलेटर, राइट। अब हमारे पास ये क्लास बनने के बाद नेक्स्ट वर्क है इस क्लास टेम्पलेट को यूज़ करना। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये जो क्लास टेम्पलेट बनी है, अब मैं इसमें किसी भी टाइप्स की वैल्यू सेंड कर सकता हूँ,
और क्यों? क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप डायरेक्टली यूज़ नहीं किया है, हमने इंस्टीड ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारी क्लास में हमने कंटेनर टेम क्लास टेम्पलेट बनाया और कंटेनर यूज़ किया है, ठीक है। तो अब मैं जिस टाइप की वैल्यू यहाँ से भेजूंगा उसी तरह से बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेन क्लास, अब हम मेन फंक्शन में आते हैं, हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में सबसे पहला जो वर्क है वो है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, क्लियर। तो दोस्तों अब ये क्लास टेम्पलेट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास यहाँ पर आती है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले क्लास बनाने का देखो मेथड क्या होता है। जब भी हमारे पास क्लास बने, एक बार मैं यहाँ पे कमेंट प्रैक्टिस के लिए लिखता हूँ, चेक कि आपको, हम नॉर्मली जब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना, सपोज मुझे कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है कैलसी इंट, और ये दो वैल्यूज पास करनी है 10 और 5, तो नॉर्मली हम इस टाइप से करते हैं, ठीक है। बट यदि हमारी क्लास टेम्पलेट क्लास है तो हम जिस टाइप की वैल्यू हमारी टेम्पलेट क्लास को प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे क्लास के नेम के बाद मुझे वो प्रिमिटिव डाटा टाइप यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैं ये दो वैल्यू पास जो कर रहा हूँ इंटीजर टाइप, तो मेरी क्लास उस टाइम पर किस टाइप से इस ऑब्जेक्ट के साथ कैसा बिहेव करेगी, इंटीजर टाइप जैसा, ठीक है दोस्तों। तो यही लाइन हमने नीचे यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं एक बार। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट एक कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है कैलसी इंट, तो हमने यहाँ पे एंगुलर प्रेसिजन बता दिया है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप के वेरिएबल के थ्रू बिहेव करेगा, इंटीजर टाइप के, ठीक है। तो हमने यहाँ से पास किए 10 और 5। तो जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ से दो वैल्यू जो 10 और 5 भेजी हैं, ये कंस्ट्रक्टर कहाँ पर इन्वोक हुआ, यहाँ पर। तो 10 किस में आ गया, N1 में, और 5 किस में आ गया, N2 में। हमने वैल्यू ऑफ N1 इज असाइन टू num1, यानी कि num1 की वैल्यू क्या है अब 10, और वैल्यू ऑफ N2 इज असाइन टू num2, इट मीन्स वैल्यू ऑफ num2 इज 5, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या कहा है, एक मैसेज प्रिंट करवाया है इंटीजर रिजल्ट, यानी कि इंटीजर वैल्यू का रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद हमने इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन को कॉल किया, राइट। यानी कि अब जो डिस्प्ले रिजल्ट हो रहा है वो भी किसके लिए कॉल हो रहा है, कैलसी इंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यानी कि हमारा जब डिस्प्ले रिजल्ट कॉल हुआ तो ये वाला, तो सबसे पहले आउटपुट क्या आएगी, नंबर्स आर, num1 में वैल्यू क्या है 10, num2 में वैल्यू क्या है 5। आफ्टर दैट ऐड फंक्शन कॉल होगा, तो ये ऐड कॉल होगा, तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 5, 10 + 5 = 15, तो ये 15 रिटर्न होकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सेम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारे पास इतना वर्क तो हो गया कि किस टाइप से हमने हमारी टेम्पलेट क्लास को इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की और उसने वो रिजल्ट दिखा दिया। सेम उसी टाइप से सेकंड हम देख रहे हैं कि इसी क्लास को हम फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करते हैं। तो हमने क्या कहा, फिर से कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है कैलसी फ्लोट, ठीक है। और हमने इसके बीच में बता दिया कि अब ये ऑब्जेक्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, फ्लोट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हम जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं, दो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू 8.8 और 2.2, राइट। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो अगेन आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया, और फर्स्ट फ्लोटिंग वैल्यू किस में कॉपी हो गई, N1 में, एंड सेकंड फ्लोट वैल्यू किस में कॉपी हो गई, N2 में, राइट। सो इट मीन्स फर्स्ट फ्लोटिंग वैल्यू इज असाइन टू num1, सेकंड फ्लोटिंग वैल्यू इज असाइन टू num2, राइट। आफ्टर दैट हमने इसमें क्या कहा, ये लाइन प्रिंट करवाइए सिंपल एक मैसेज, फ्लोटिंग रिजल्ट्स, देन कैलसी डॉट फ्लोट के थ्रू, यानी कि जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू हमने डिस्प्ले रिजल्ट को कॉल कर लिया। तो जब हम डिस्प्ले रिजल्ट को कॉल करेंगे, अब डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर सारी कौन सी वैल्यूज आएंगी num1 num2 में, num1 में वैल्यू आएगी फर्स्ट फ्लोटिंग वैल्यू, num2 में सेकंड फ्लोटिंग वैल्यू। उसके बाद जब हम ऐड को कॉल करेंगे तो ऐड में num1 की फर्स्ट फ्लोटिंग वैल्यू प्लस num2 की सेकंड फ्लोटिंग वैल्यू सम होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमारे पास सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फंक्शन चारों यहाँ से कॉल होंगे और उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए हमने दो इंटीजर वैल्यू पास की 10 और 5, और दो फ्लोटिंग वैल्यू पास किए 8.8 और 2.2। तो क्या रिजल्ट क्या हमारे अकॉर्डिंग आते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, एंड द रिजल्ट्स आर दिस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने इंटीजर रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने इंटीजर वैल्यू क्या पास की थी 10 और 5, तो एडिशन इज 15, सब्ट्रैक्शन इज 5, प्रोडक्ट इज 50 एंड डिवीजन इज 2। सेकंड जो है ये वाली, ये हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग रिजल्ट्स, फ्लोटिंग वैल्यूज हमने क्या पास की थी 8.8 और 2.2, सो एडिशन इज 11, 8.8 + 2.2 इज 11, सब्ट्रैक्शन इज 6.6,
प्रोडक्ट इज 19.36 एंड डिवीजन इज 4। सो एज पर अवर दिस प्रोग्राम अवर रिजल्ट्स आर करेक्ट। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है जो हमने क्लास टेम्पलेट का बनाया है, ये बोथ द प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज इंटीजर एंड फ्लोट के साथ वर्किंग है। इसी टाइप से हम यहाँ पे किसी भी टाइप्स की वैल्यू पास करके इस क्लास टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा कि क्लास टेम्पलेट्स क्या होते हैं, क्लास टेम्पलेट्स के थ्रू हम जेनरिक प्रोग्रामिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारी रीयूजिबिलिटी कोड कैसी है, कोड हमारा किस टाइप से कम हो जाता है, ठीक है, और ये जेनरिक कोड है तो इससे हमारे को कोड के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस टाइप से हम इसके कोई और प्रैक्टिस प्रोग्राम कर सकते हैं, किस टाइप से आप इसको क्लास टेम्पलेट की हेल्प से और ज़्यादा इसका यूज़ उठाकर अपने प्रोजेक्ट्स में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखने में टॉपिक समझने में बिल्कुल ईजी है, जब तक आप इसको हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपके माइंड में सेट नहीं होगी। तो टेक्निकली इसे समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाइक का बटन लाइक कीजिए। यदि आपके कोई और भी क्वेरीज हैं, आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ और प्रैक्टिस प्रोग्राम। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।